मैं घर सजाने में व्यस्त हूँ, मतलब पागल हुए जा रही हूँ। मेरे बाल खड़े हो गए देखो, और ये है भाई साहब अपना डोला बना रहा है और उसी में भाई खुश साहब है। मत बोलना। ये जो आदमी है ये मत बोलना। मैं क्या बोलूं? मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए गुरमीत चौधरी बना रहे हैं अपना बल्की बॉडी, ह्यूज बॉडी बनाने के लिए दिन में सुबह उठ जाते 4 बजे, यहाँ पे बैठते कंस्ट्रक्शन साइट पे और यहीं पे बैठे बैठे वो कुछ अपने आप से कुछ बातचीत करते हैं। पीनो, 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 मेरा पीना, मेरा कैसे होता पीना। ये है मेरी जिंदगी राइट नाउ, इट्स इन द मिडल ऑफ अ मेस स्टिल। तो मैं हाउस टूर क्या ही दिखाऊं आप लोगों को। एक कमरा बनाया है, वो भी मेरा बेडरूम, वो भी आधा अधूरा बना है। तो आज मैं मेरा बेडरूम सेट करती हूँ आप लोगों के साथ, और थोड़ा सा गप्पे मारेंगे अबाउट द करंट क्राइसिस दैट आई एम फेसिंग। मुझे आप लोगों से बात करके ना बहुत खुशी मिलती है, मतलब आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अलोन। वो एक बात है ना, यू आर नॉट अलोन। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे मतलब सेम नाव में बहुत और भी लोग हैं तो मुझे थोड़ा मतलब चैन की सांस मिलती है, नहीं तो लगता है कि क्या अकेले मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट होती है। तो कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लियाना जब पैदा हुई थी आई वॉज अ वेरी एक्साइटेड मॉम, बहुत सारी चीज़ें नया 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 जो भी नया था मार्केट में सब ले लो सब खरीद लो, ऐसी थी मैं। विथ नीनूडी आई एम अ वेरी काम मॉम, आलतू फालतू के चीज़ें फ्रिंजेस कट कर दिए, सब बेसिक चीज़ों में मैं आ गई। वो अब देखिए कहाँ गया, अरे उधर तो कुछ है ही नहीं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ लियाना का वो, लियाना तुम्हारा वो कहाँ गया कॉट जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया, वो यहीं पे पड़ा हुआ था, शायद अभी बालकनी में चला गया। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ मेरा समा, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा। कैमरा ने तुम्हें बुलाया, मैंने बुलाया ना पारी। तो आपने देख लिया वो जो बेड है कॉट है वो भी पड़ा हुआ है बालकनी में, और मैंने देखा बच्चों को क्या समझ में आता है कॉट है क्या बेड है, और दोनों एक रूम में तो सो नहीं सकते हैं क्योंकि ये रोती है तो वो उठ जाती है, वो रोती है तो ये उठ जाती है, तो एक रूम में तो दोनों को रख नहीं सकते। मतलब कितने भी रूम हो, दो बच्चे हैं अगर छोटे छोटे, आपको अलग अलग रूम ही चाहिए मतलब बच्चों को रखने के लिए, अदरवाइज इट इज मिक्सी की आवाज से भी बच्चे उठ जाते हैं तो हम क्या करें। कोई पर्टिकुलर चीज नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट वन ऑफ द डेज मैं दिखा रही हूँ, लाइक वन ऑफ द मेस्ड अप डेज, जस्ट बेयर विद मी गाइज एंड आई लव यू। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। कम टू माई बेडरूम। हमारे साथ साथ घूमते हैं हमारे मेमोरीज, ये दिस बैग लीज बैग्स आर लाइक फुल ऑफ मेमोरीज, आपको दिख रहा है मेमोरीज, मतलब ये चिट्ठी है जो फैंस ने हमें लिखी थी राइट फ्रॉम द डेज ऑफ रामायण। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मतलब जो चिट्ठी जो कोलाजेस आप बना के हमें भेजते हैं हम उसे फेंक देते हैं, हम सब कुछ रखते हैं, और नए घर में आए हैं तो वो सब भी लेकर आए हैं। ये तो मिशबा ने भेजा है, अच्छा मिशबा कराची पाकिस्तान, मिशबा थैंक यू। इतनी बड़ी चिट्ठी, डेट क्यों नहीं लिखा यार, तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन से साल का है। दिस बैग इज फुल ऑफ मेमोरीज, हैप्पी बर्थडे, और पता नहीं अभी मुझे तो ये सारी मेमोरीज ये सब भी अंदर रखूंगी। वी एस लक्ष्मी चौधरी, रुखसाना शेख एंड दिव्या वर्मा, ये बहुत पुराने हैं, आप लोगों ने ही भेजा है, और एक्चुअली इस बैग में ही शायद मेरा जो शादी का एल्बम है वो भी गुम हो गया है सारे के बीच में। मुझे मेरा शादी का एल्बम ढूंढ के ही निकालना है और फिर थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके इन सबको कहीं पे अच्छे से रखना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज ही सेट कर रही हूँ तो आज आप लोगों के साथ मिलके सेट करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके ढूंढूंगी, इनमें जो भी धूल लगा है वो सब निकल जाएगा ऐसे गिराने से। धूल ये है आप लोगों की मेहनत, देखिए तो कितनी मेहनत करके ये सब बनाया, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए
साथ में पैकिंग करते हैं। पैकिंग या अनपैकिंग मुझे नहीं पता, अनपैक करते फिर पैक करते हैं। देबीना जिस दिन आई तो उन्होंने ऐसी ही इन सबको स्टफ करके रख दिया, और इसमें से अभी आज हमें बहुत कुछ माइनस करना है और कुछ प्लस करना है, और फिर मैंने देबीना को मैं बोलूंगी गो फॉर शॉपिंग। मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला शॉपिंग। देबीना आए तो फिर मैं सिलेक्ट करूँ। मैंने सुना तुम आ गई और मुझे पता है कि तुम खुद कर भी लोगी, पर यू कैन रियली अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली क्या हुआ, नीनूड़ी को हुआ है गाल में ऐसे दाना 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 दाना, ऐसा लग रहा है जैसे फेस में एक्ने हो गया है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। डॉक्टर ने बोला कि तेल मत लगाओ, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ। सो आई थिंक दैट्स द ट्रीटमेंट। 4-5 दिन से अभी वो सिर्फ ड्राई मालिश हो रहा है और कुछ भी नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं। आई थिंक दैट्स वाई दे से एवरी बेबी इज डिफरेंट। मतलब लियाना को सारा तेल सूट हो गया था और इसका स्किन शायद बहुत सेंसिटिव है, तेल वेल कुछ सूट नहीं हो रहा है, क्रीम सूट नहीं हो रहा है, साबुन सूट नहीं हो रहा है, शैम्पू सूट नहीं हो रहा, कुछ भी सूट नहीं हो रहा है। सो 5 दिन से बिना तेल साबुन के थोड़ा बेटर तो हुआ। टॉकिंग अबाउट बेबीज एक्ने, उसका तो यही इलाज है कि आप कुछ नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं। बट हमारे बॉडी में जब एक्ने होता है, यू नो होता है ना बहुत, कि पीठ में ऐसे छोटे 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 एक्ने, बॉडी एक्ने जिसको बोलते हैं, तो उस एक्ने का इलाज है, वो है मेरे नए बाथरूम। बाथरूम टूर भी बाद में दूंगी, आज मैं बस सेट कर रही हूँ। वो है सैलिसाइलिक एसिड बॉडी वॉश एंड सैलिसाइलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग बॉडी सीरम लोशन। तो आप लोगों को पता ही है जब फेस में एक्ने होता है, सैलिसाइलिक एसिड दैट इज BHA उसको लगाते हैं फेस पे, वो घुसता है, पोर्स को साफ करता है, पोर्स को छोटा कर देता है, बंद कर देता है। तो अभी सैलिसाइलिक एसिड सीरम का ड्रॉप टुक 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 करके पीठ में तो लगा नहीं सकते हैं। तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू स्ट्रेट अवे यूज द एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। तो बॉडी में जब भी एक्ने वगैरह हो, यूज दिस सैलिसाइलिक एसिड बॉडी वॉश, और उसके बाद यूज दिस सैलिसाइलिक एसिड बॉडी सीरम। इट इज एज सिंपल एज दैट। सैलिसाइलिक एसिड का जो काम है वही करता है फेस एक्ने नहीं, बॉडी के लिए। इसमें है सैलिसाइलिक एसिड, लिटिल बिट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड एंड पेंटावाइटिन। इसमें भी है सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड जिंक PCA। ऑल ऑफ इट एक्चुअली क्लियर्स अप एक्ने एंड टेक्स केयर ऑफ द एक्ने मार्क्स। सो अच्छा है ना, मतलब बॉडी एक्ने का एक सोल्यूशन है। दीज बोथ द थिंग्स आर फ्रॉम डर्माको। डर्माको एज अ ब्रांड आई लव बिकॉज ऑल द न्यू प्रोडक्ट्स बाय डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री और इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए हाउ द बॉडी वॉश इज। सिर्फ मैं अभी नहा के तो नहीं दिखा सकती हूँ, ये हाथ साफ करके दिखा रही हूँ। इट इज सो नाइस। इसी तरीके से आप सिंपली इसको बॉडी वॉश जैसे लगा के नहा लीजिए, योर वर्क विल बी डन। और उसके बाद जिस तरीके से आप नहाने के बाद हल्का वेट स्किन में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो उसी तरीके से इस लोशन को लगा लीजिए। इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन या बॉडी एक्ने, यू विल बी सॉर्टेड। इफ यू बाय डर्माको प्रोडक्ट्स विद माई कोड Debina2022, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। हुआ ना बहुत अच्छी बात। Also, every time you buy from them, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. So that by the end of the year, they help educate 10,000 children. Wow, that's an amazing initiative. And all Dermaco products are available here. तो हो गया नहाने वाली बात, अभी इसको मैं वापस रख देती हूँ, बाथरूम का दरवाजा बंद करती हूँ और जीविता का हाथ बटाती हूँ, क्योंकि जितना भी मुझे मन कर रहा है कि तुम अकेले कर लोगी क्या, मुझे पता है तुम मार ही डालोगी, मार डालोगी क्या। इसको लेट गो करना चाहिए आपको। क्यों?
ये ब्लैक कलर का, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। कभी अगर ब्लैक ऑन ब्लैक पहन के मुझे मतलब एयरपोर्ट लुक करना है तो जो ऑप्शन में रख रहे हैं अलमारी में वापस रखना है, इधर रखो। अभी आप मुझे बताइए, जो कपड़े जीविता निकाल देगी, बोलेगी कि आप मत पहनो, उसका मैं क्या करूं? किसी रिलेटिव को दे दूं, सारा कपड़ा इकट्ठा करके ऐसे दान कर दूं, या इनमें से अगर कोई भी कपड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको चाहिए, एक कपड़ा मत बोलिए तो मुझे एक एक करके वो कुरियर करने में दिमाग खराब हो जाएगा। अगर 3-4 कपड़े बोले तो मैं साथ में पैक करके कुरियर कर दूंगी। मुझे ये पसंद है आपके ऊपर। ये पसंद है? अच्छा, मेरे ऊपर? ये अपने पसंद के लिए तो नहीं बोल रही हो? नहीं, आपके ऊपर मुझे कहाँ से फिट आएगा? ये तो बहुत ही ओवरसाइज जैकेट है आपका। जैकेट नहीं है, शर्ट है, और ओवरसाइज शर्ट इन है। बट ये क्या है, ये इतना ठंडी यहाँ पे नहीं है। अरे कभी लंदन वंदन घूमने गए तो ये काम आएगा ना। रुक जाओ, रमेश को भी बुलाती हूँ। तो मतलब नहीं, तुम बस छांट दो, रमेश को बोल देती हूँ उठाने के लिए। जीविता का बस चले तो वो सारा ही चीज छांट के फेंक ही दे, इसलिए मैं सामने बैठी हूँ, नहीं तो मैं उसको अकेले ही बोलती करो देखो ये ओवरसाइज है, वो पता नहीं क्या है ऑलरेडी शुरू कर दिया। पर ये मुझे बहुत पसंद है, ये कॉर्डरॉइड का शर्ट, और ये मैंने बाहर से लिया था, लंदन से। जब लंदन घूमने जाऊंगी फिर से काम आएगा ना, ऐसे नहीं बुला सकते, चिल्ला के बुलाना पड़ेगा, नहीं तो सुना ही नहीं देगा। रमेश, अभी मैं बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या छांटना है। ये ड्रेस तो मैंने पहना ही नहीं, मम्मी ने दिया है मुझे, एक बार भी नहीं पहन के मैंने इसको साइड कर दिया ना, मम्मी मुझे मारेगी। मम्मी आज भी मुझे मारती है, शायद इसीलिए मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ। मस्त जोक मारा रे। और ये गड़बड़ भी हो गया, पता है मैंने अमेजोन में ऑर्डर किया कुछ और गलती से उस घर का एड्रेस दे दिया, तो अभी वहाँ पे पहुँचेगा सब, मुझे उस घर में एंट्री देना पड़ रहा है मुझे। अमेजोन से ये आया, अमेजोन से वो आया, पता नहीं मेरे हाथ तक क्या और कब पहुँचेगा सामान। जीवी ने बोला दोनों ट्विन्स है। ये तो पहाड़ ऊपर का निकाल, मैं तो कपड़े के बोझ में ढक गई। ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। जीवी तुम हो? हाँ मैं हूँ, आपके पहाड़ में के पीछे। मुझे नजबलिया का एक एक्ट याद आ गया, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ था और मैं ढिश 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 करके तोड़ रही थी। आज हमारे बीच में कपड़ों का पहाड़ है। ओ गॉड, ये लड़कियां कितना कपड़े खरीद खरीद के पैसे वेस्ट करती है, और वो लड़की मैं हूँ। तुम क्या कर रही हो, कपड़ों को रख रही हो और फिर गिरा भी रही हो। ये भी अच्छा, ये तो मैंने आपको आज तक पहने में नहीं देखा। अरे ये मैंने पहना था प्रेगनेंसी में, मुझे अजीब सी लग रही थी ऐसे पेंगुइन जैसे, तो फिर अभी व्हाइट तो मैंने सोचा नहीं बाद में पहनूंगी, तो ये अब मैं पहनूंगी। तो दो इधर, जो पहनने वाले तुमको लगता है अच्छा है और मुझे पहनना है, मैं एक साइड में रखती हूँ। ये वाला ड्रेस हम लेट इट गो कर सकते हैं, क्योंकि देवीना ने गलती से साइज में गड़बड़ कर ली थी, और तभी देवीना नहीं, डिलीवरी के एग्जैक्टली बाद, मतलब चौथे दिन मैं घर आई थी ये पहन के, और ये ना सडनली मुझे फिट नहीं हो रहा था, तो उसको पीछे से मुझे कैंची से काटना पड़ा था, ये ऐसा ही कटा हुआ फटा हुआ रह गया। इसको सिलाई करके नहीं पहन सकती हूँ, ड्रेस तो अच्छा है, रखती हूँ, अगर लास्ट में बहुत ज्यादा हो गया तो मैं यहाँ से चाटती हूँ। जो लेट इट गो है वो कहाँ पे रखूंगी? नीचे। ये देखिए मैं इसको लेट इट गो कर रही हूँ, ये एक ड्रेस है ट्यूब टॉप जैसे, जिसके पीछे वो है, ये पहनूं कभी? इसके लिए मुझे बहुत पतले होना पड़ेगा। पतले ही हो आप? नहीं अभी पतली नहीं हुई मैं, वो मैं नहीं दे रही हूँ, ये रख लेती हूँ। ये शर्ट तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको भी रख लेती हूँ, मुझे लगता है इस तरीके से हम सारे ड्रेस रख लेंगे। हाँ ये तो मुझे पसंद ही है। हमारे घर में एक डाकू काम करता है, उसने कई जगह पर डाका वाका डाला है, बहुत सारे पुलिस उसको ढूंढ रहा है शायद, तो वो कभी कैमरे के सामने नहीं आता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये तुम पहन सकती हो, देखो ये फिट नहीं आएगा मुझे। आ जाएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा था बिना के वार्डरोब से मुझे एक चीज फिट आया। तुम पहन के बैठ ही जाओ। ये मुझे याद है कि हमने दोहा से लिया था, अभी इसका टाइम आ गया गुड बाय के। नो मुझे क्यों तोड़ा। सीवलेस भी विदाउट शर्ट भी पहन सकते हो अभी, ये वो है ना।
हाँ वो है जंपसूट टाइप का। ये ड्रेस पे मैंने नीनूड़ी के साथ फोटो खींचा था, इसके ये पहन के नीनूड़ी के साथ भी फोटो खींचूंगी। एंड मैं नीनूड़ी अभी भी बहुत छोटी है, तो वो पीनूड़ी का वो बचपन के ड्रेस में अभी भी फिट नहीं होगी। एनीबडी वांट्स दिस शाइनी ड्रेस? सुनो मुझे बहुत जोर से, शुरू भी नहीं हुआ मुझे नींद आ गई। तुम तो गिर ही नहीं सकती, यू आर हेल्पिंग मी। आई कैन लेट गो ऑफ दिस, इट्स टू बिग, इट्स वेरी बिग, इट्स एक्सेल टाइप का साइज। एनीबडी वांट्स कैन टेक दिस। ये गुरु भी पहन सकता है इतना, मतलब ये पता नहीं मेरा। देखो कितना छोटा स्कर्ट है, मैंने इसको रखा है इसलिए कि स्कर्ट में मैं वापस जिस दिन फिट हो गई, मतलब मैं उस दिन अल्टीमेट पतली फिर से हो गई हूँ, इसीलिए मैंने इस स्कर्ट को रखा है। ये मुझे याद है 2020 में जब कोविड हम लोगों को हुआ था और कोविड ठीक होने के बाद इंटरनेशनल रूट खुला था, तो हम दुबई में जाके ये मैं पहनी थी ये वो जैकेट के साथ। मेरे वार्डरोब से एक ही कपड़ा उसको फिट हुआ है। अरे ये खरीदा था, ये रह गया, उसके बाद ये पहन के जहाँ पे भी जाती हूँ इतना टिंग 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 बजता है, पर ये खुलता ही नहीं है। हथौड़ा दो चार टूट गया लेकिन ये नहीं खुलता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये भी नहीं चाहिए मुझे, जहाँ पे फ्रिल देखेंगे वहां से मैं भाग जाऊंगी। ये पर्पल ड्रेस मेरे पास लेकिन एक भी है नहीं। मैं तो वो कलर अच्छा लगा था। वापस आ जाओ गुरु, ये ड्रेस रखना है, ये आउटफिट तुम्हारा आउटफिट है, तुम जानो। अरे तुम देखो ना, तुमको ये अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा पहनोगे? मैं पहनूंगा। अरे ये यूनिसेक्स है, तुम स्कर्ट भी दे दो, स्कर्ट भी पहन। स्कर्ट नहीं है, नीचे पैंट्स है, तुम पहनोगे? यूनिसेक्स है, पहनो कोई मूड हुआ तो। मूड के ऊपर नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा अलग अलग कलर वाला नहीं पहन सकता। ये देखिए एक ओवरसाइज और एक शर्ट है, ये मुझे फिट लगता है। ट्राई ट्राई, मेरे पति को किसी चीज का टेंशन नहीं है, इसको अवतार देखने जाना है। लो कपड़े, लो कपड़े, लो ये लो, ये लो, ये भी लो। गुरु कुछ दिन तो हैंगर उड़ के आके सर पे लग जाए, मैं बेहोश हो जाऊंगी। अवतार चलते हैं यार, अवतार रिलीज हुई है। अरे ये सच्ची तुमको फिट हो गया? मैंने कितना ओवरसाइज शर्ट लिया था ये? सीरियस हो? तो बटन भी लग रहा। मैं कितना ओवरसाइज शर्ट लिया था ये? Going with your Gucci belt also. हाँ बेल्ट को ऊपर से पहनो। कि तो सच्ची अच्छा लगा मुझे। 3D स्क्रीन मैक्स है ना? IMAX में। तो 4DX 3D है। 4DX छोटा स्क्रीन होता है। 3D स्क्रीन एक्स। इन ऑर्बिट में चेक कर। वही ऑप्शन आ रहा है, बट एक ही मतलब सिर्फ फ्रंट रोज का है, बाकी जो आपको चाहिए था वो सोल्ड आउट है पूरा। कल तक सोल्ड आउट बुक माय शो में दिखा रहा है। एक वाइफ जाना चाहती है फिल्म देखने के लिए और एक माँ जाना नहीं चाहती, अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है। आज फुल्ली हो जाने का चांस मुझे थोड़ा कम ही दिख रहा है, और पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर करके मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। आपने देख लिया कि इट्स लाइक अ मेस। जब आप दोबारा तय करते हो तो थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को लेट गो कभी कभी कर लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं सब लेट गो कर रही हूँ। और आप भी अभी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मेरे लिए तो आराम अभी हराम है क्योंकि मैं आराम नहीं कर सकती। थोड़ा तो बीच बीच में मुझे ब्रेक भी लेना पड़ेगा, मैं नीनूड़ी के पास जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। आई थिंक नेक्स्ट मिलती हूँ तब मैं ये रूम पूरा बना लूँगी और मैं पक्का इस रूम को टूर कराती हूँ और अलमारी दिखाती हूँ मैं किस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, बाय। Guys, I love you. Bye, guys.